डिजिटल वेट मशीन बड़ा वाला ही है तो छोटे बच्चे तो उसमें नहीं बैठ पाएंगे। उस केस में क्या करना है कि पहले माँ को खड़े करके माँ का वजन ले लेना है और माँ का वजन लेने के बाद उसको लिख लेना है। सेकंड टाइम जब फिर से जीरो में जब आ जाएगा, माँ को उतारने के बाद जब वो मशीन में जीरो में आ जाएगा तो माँ को बच्चे को गोद में लेकर के उस पर खड़े हो जाना है और जो भी माँ का वजन है उससे उस वजन को माइनस कर देंगे तो बच्चे का वजन निकल ये होता है कि देखा जाता है कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं, वो जल्दी से उसको वजन आप लेने जाएंगे तो वो वजन लेने नहीं देता है। उस केस में आपको माँ का वजन लेना है और माँ के वजन लेने के बाद फिर बच्चे को गोद में लेके वजन लेना है और उसमें माइनस कर लेना है, ये तरीका। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे को कम से कम कपड़ा में ही उसका वजन लेना है, चाहे माँ अपने गोद में ले रही हो वो वजन या फिर इसमें ले रही हो। अधिकतर आंगनबाड़ी में देखा गया है कि बच्चे का माँ बच्चे का कपड़ा नहीं उतारती है और हमेशा बच्चे का जो जींस पहना रहता है, स्वेटर पहना रहता है, उसमें उसका वजन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वजन लेने से पहले ध्यान देना, बच्चा एक घंटा पहले कुछ नहीं खाया हो, अगर हम आज खा के वजन लेते हैं और खाली पेट में वजन लेते हैं क्या दोनों का वजन एक आता है, ज्यादा आता है? कभी हम मान लीजिए आज बच्चे का वजन लिया 12 बजे और किसी दिन बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में 8-9 बजे आ गया, उस समय लेंगे तो दोनों के वजन में वेरिएशन होगा। तो इसीलिए कोशिश करना है कि अगर पूछ लेना है माँ से कि बच्चा कितनी देर पहले खाया है, अगर एक घंटा से ज्यादा पहले खाया है तब वजन लेना है, अगर आधा घंटा पहले खाना खाया तो माँ को बोलना है कि थोड़ा वेट कीजिए उसके बाद हम बच्चे का